नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर क्राइम इन कैमरा। और आज के क्राइम इन कैमरा में हम आपको बता रहे हैं कि सारण के मकेर में युवा मुखिया प्रत्याशी हेम कुमार पर चाकू से कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव के अब अंतिम कुछ चरण के चुनाव ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में हर एक क्षेत्र के मुखिया प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सारण जिला अंतर्गत मकेर प्रखंड से एक घटना सामने आ रही है, जहां पर बाघाकोल पंचायत के एक मुखिया प्रत्याशी पर हमला हो गया है। पीड़ित प्रत्याशी का नाम हेम कुमार है, जो हाल में ही अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके वापस गांव आया है और यहां पे चुनाव लड़ रहा है। घटना पर मौजूद एक शख्स संतोष कुमार ने हमें फोन कर इस बात की जानकारी दी है। खबर के मुताबिक यह घटना उस दौरान हुई जब हेमराज गांव में वोट मांगने के लिए घूम रहे थे, तभी चार अज्ञात लोगों ने उन पे चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमला के बारे में पूछने पर प्रत्यक्षदर्शी संतोष कुमार ने क्या बताया, सुनिए कॉल रिकॉर्ड। जैसे वो अपने वोट मांगने गांव में निकले थे, ठीक है, हाँ, तो अज्ञात दो चार आदमी मिलकर उनसे चाकू पर हमला किया है। अच्छा, ठीक है, हाँ, तो तीन चार जगह चाकू मारा है, लोग अभी होश में नहीं है। अच्छा, उसके बाद उनको नजदीकी के मतलब हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नजदीकी यानी कि मकेर के आसपास में ही, मकेर में जो होता है ना सरकारी अस्पताल प्रखंड वाला। अच्छा, तो प्रत्याशी का क्या नाम बताए? हेम कुमार। अच्छा, हेम कुमार, हाँ, युवा है, इंजीनियरिंग करके अभी आए हैं और बाघाकोल पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा, बाघाकोल पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे और वो जनसंपर्क कर रहे थे, तभी उन पे हमला हुआ है। हाँ। अच्छा, तो ये हमला मतलब कुछ कारण से हुआ, जैसे क्या कुछ समझ में आया है उस टाइम में कि क्या कुछ दिक्कत कैसे हुआ है? ये जैसे आदमी चलता है, कोई धक्का मार दिया या फिर ऐसा कुछ, कुछ तो समझ में आया होगा। विरोधियों के द्वारा किया गया है। हेलो, हाँ, आवाज कट गई थी। हाँ, विरोधियों के द्वारा कुछ होता नहीं है कि मेरा वोट काट रहा है, उसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ। अभी तो नया फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे थे, वोट ज्यादा ले रहे थे, इसी के चलते हो सकता है। अच्छा, ठीक है, तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। संतोष कुमार, आप भी बाघाकोल से हैं, है ना? हाँ। अच्छा, ठीक है। हमारे संवाददाता ने इस खबर के पुष्टि के लिए जब मकेर थाना के थाना अध्यक्ष राजेश प्रसाद से बात की तो पता चला कि घटना सही है, पर पीड़ित की हालत ज्यादा गंभीर नहीं है, बाजू पर चाकू से वार किया गया है। हालांकि समय गंवाए बिना थानाध्यक्ष राजेश प्रसाद दल बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की तहकीकात की। सुनिए थानाध्यक्ष से कॉल पर बात की गई रिकॉर्डिंग। वो प्रत्याशी कहां से है सर? वो बाघाकोल का प्रत्याशी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये मतलब चाकू जो मारा गया है वो कैसे, दुश्मनी वगैरह कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या FIR वगैरह में? FIR आपने लिखा है क्या? FIR अभी किए नहीं, अभी FIR नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसकी जो स्थिति है कैसी है? नॉर्मल है, वहाँ पे चाकू मारा है, बहुत ज्यादा ऊंचा स्थिति नहीं है। अच्छा, उसने हालांकि मुझे वहाँ पे हल्का नॉर्मल है, बहुत ज्यादा उस टाइप का बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप स्पॉट पे गए थे सर? जी, आप स्पॉट पे गए थे क्या सर? हॉस्पिटल में शायद है वो? बिल्कुल हॉस्पिटल से ही बोल रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, मैं स्टेट में बाघाकोल में घूम रहा हूँ, अभी हॉस्पिटल से ही आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो वैसी स्थिति नहीं, हालांकि हमको बताया गया है कि बेहोश है वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना? कुछ मतलब नहीं है ना, होश बेहोश, कहाँ पे चाकू लगा रहा है? यहाँ वहाँ पे बाजू पे है ना, वो जो वहाँ है, बाकी चीज आप समझ लीजिए कि बेहोश है कि क्या हो, तो आप भी समझ सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है, मैं समझ। कुछ नहीं, अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, अभी सामने बात भी किए उससे, पूछे भी है तो बताया, हम पहचान नहीं कर सके हैं सर। अच्छा, है ना, ठीक है ठीक है जी, उससे बात, डॉक्टर साहब से भी बात हुई है। ठीक है ठीक है, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम राजेश प्रसाद हुआ। राजेश जी, ठीक है, थैंक यू, ओके, धन्यवाद। बिहार में अब पंचायत चुनाव अपने अंतिम स्तर पर है। बिहार सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था ने चुनाव या चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की घटना रोकने की हर संभव कोशिश की है, मगर फिर भी पंचायत में इस तरह का घटना घट जाना लोगों की आपसी बैर को प्रदर्शित करता है। तो फिलहाल आज के क्राइम इन कैमरा में इतना ही, आप देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें, चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा
टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।